हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे मिक्स साग। मिक्स साग में यहाँ पर देखिए, दो मुट्ठी बथुआ है, दो मुट्ठी पालक है, दो मुट्ठी सरसों है और एक मुट्ठी खेसारी साग है। ये सबको हम अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब इसको हम 5-6 पानी से अच्छी तरह से इसको हम धो ले रहे हैं। ये देखिए, सभी साग को हम अच्छी तरह से एक ही साथ में धो लिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हम मेथी पत्ता यहाँ लिए हैं और यहाँ पर धनिया पत्ता लिए हैं। तो ये सभी को अच्छी तरह से बारीकी हम काट ले रहे हैं। ये देखिए, साग को अच्छी तरह से हम काट लिए हैं। अब इसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, गैस पर हम कुकर रख दिए हैं। अब इसमें हम इस साग को डाल दे रहे हैं। ये देखिए, साग डाल दिए हम। अब यहाँ पर हम एक गांठ लहसुन और 4 हरी मिर्च लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे और आधी चम्मच नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कुकर का ढक्कन बंद कर दे रहे हैं और इसको मीडियम आंच पर 2 सीटी मात्र हम लगाएंगे। इसमें हम पानी नहीं दिए हैं क्योंकि ताजी साग है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप छूटेगी। जब तक यहाँ पर हम साग चढ़ाए हैं पकने के लिए, तब तक हम साग के तड़का का तैयारी कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हम साग में तड़का देने के लिए फिर से एक गांठ लहसुन ले लिए हैं, इसको छील लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, हम उसमें भी 4 मिर्च डाले हैं, इसलिए अपने तीखे के अनुसार हम यहाँ पर 2 मिर्च लिए हैं और यहाँ 2 प्याज लिए हैं, आधी इंच अदरक ले लिए हैं। इस सबको हम चॉप कर ले रहे हैं। ये देखिए, हम चॉप कर लिए। देखिए, साग में सीटी दे दी है, अब हम इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी साग पकी है। अब साग को हम इससे मिलाएंगे, ये दाल घोटने वाला है, इससे साग भी मिलाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। इससे हम इसको अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं, करके मिला लेंगे। ये देखिए, हम साग अच्छी तरह से मिल गई है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में हम तेल डाल दिए, तेल गर्म हो गई है। अब इसमें हम ये चॉप किया हुआ लहसुन प्याज अदरक मिर्ची डाल दे रहे हैं, सभी को डाल दिए। अब इसको हम लाल होने तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज लाल हो रही है धीरे धीरे। थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डाल दे रहे हैं डाइजेस्ट के लिए और 2 चुटकी हींग है, ये भी डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी और इसको हम लाल कर ले रहे हैं। ये देखिए, प्याज हमारी लाल हो गई है। अब यहीं पर हम 2 टमाटर को चॉप किए थे, इसको इसमें डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी नमक हम इसमें और डाल दे रहे हैं, साग में भी डाले थे उसके अनुसार थोड़ी सी और डाल दिए हैं। अब ये टमाटर को पकने तक हम भून ले रहे हैं। ये 1 चम्मच मक्के की आटा है, इसको पानी में घोल लेते हैं। अब इसमें हम इस साग को डाल दे रहे हैं। साग डाल दिए हैं, अब यहीं पर हम ये मक्के के आटे को जो पानी में घोले थे इसको डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो सत्तू भी दे सकते हैं, चावल के भी आटा दे सकते हैं। ये हम लोग इसलिए डालते हैं कि साग को कितना भी भूंजिए, पानी थोड़ा सा छूट ही जाती है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हम लोग इसमें आलन डालते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे फिर से। अभी थोड़ी सी साग को हम और गाढ़ी करेंगे। आप चाहे तो पतला भी रख सकते हैं या फिर और गाढ़ी भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको और भूंज के इसका पानी सुखाएंगे। ये देखिए, साग को जितनी हमको सुखानी थी उतना हम सुखा लिए हैं। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। ऊपर से हम और एक बार इसमें छौंक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, 1 चम्मच हम बटर दे दिए हैं छौंकने के लिए। अब 1 मिर्ची यहाँ पर दे दे रहे हैं और ये काश्मीरी मिर्च है, इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो घी से भी छौंका लगा सकते हैं। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। रुको, रुको, रुको।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिक्स साग बनके रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को हमारी ये साग की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आप इसे चावल की रोटी, मक्के की रोटी, चावल जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी साग बनी है। थैंक यू।